मकर संक्रांति पर सूर्य के मकर राशि में आते ही मलमास समाप्त हो गया और शुभ कार्य प्रारंभ हो गए। इसी के साथ बाड़मेर में बंपर शादी के सीजन के चलते बाजारों में लंबे समय से छाई मायूसी अब हटती नजर आ रही है। बाजार में कपड़े, किराने, सोने चांदी के शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के शोरूम में खरीदारी को लेकर पूरा दिन लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है। 14 जनवरी को मलमास खत्म हो गया, इसके साथ ही बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। मलमास समाप्ति के बाद शादी का पहला मुहूर्त शुक्रवार को था, इसलिए गुरुवार को से विवाह कार्यक्रम शुरू हो गया। खास बात यह है कि जनवरी से शुरू होने वाला सिलसिला इस बार लंबा चलेगा, यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक कई विवाह मुहूर्त है। बसंत पंचमी के दिन भी शादियों का योग अधिक है। हालांकि 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में भी मीन राशि के सूर्य में आने की वजह से शादी समारोह नहीं हो सकेंगे। मलमास के समाप्त होते ही बाड़मेर के बाजारों में रौनक लौट आई। वहीं शादी समारोह के लिए खरीदारी करने लोग बाजारों की तरफ उमड़ रहे हैं, जिसके चलते बाड़मेर के बाजार में कपड़ा, कॉस्मेटिक, बर्तनों और ज्वेलरी की दुकानों पर इन दिनों खासी भीड़ नजर आ रही है। शादी का सामान लेने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में इन दिनों खासी चहल पहल नजर आ रही है, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। पंडितों के अनुसार मलमास की वजह से करीब एक माह के लिए सभी शुभ कार्य और विवाह आयोजनों पर ब्रेक लग गया था। 15 दिसंबर से सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से मलमास शुरू हुआ था। इस वजह से विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं हो सकते थे, लेकिन मकर संक्रांति को मलमास की समाप्ति के बाद एक बार फिर शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को विवाह का पहला मुहूर्त था और फिर लगातार कई मुहूर्त होने से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं।